नमस्कार, इजी कुकिंग विद सुमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा एक कुकिंग का चैनल है जहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ। मैं ओवन और गैस दोनों पे रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको माइक्रोवेव में चावल बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने माइक्रोवेव में चावल बनाए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने खिले खिले बने हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम चावल लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था दो तीन बार और 20 मिनट के लिए गलाने रख दिया था। अब ये मेरे गल चुके हैं। अब मैं इसमें से पानी बाहर निकालूंगी। ये मैंने पानी बाहर निकाल लिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं ये आपको माइक्रोवेव में चावल बनाना सिखाऊंगी, तो इसके लिए हमें माइक्रोवेव सेफ बोल चाहिए। इस बोल में मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। आप जीरा डालना चाहते हैं तो डालिए, ना डालना चाहे तो ना डालिए। और अब मैं इसमें ये धुले हुए चावल डालूंगी। अगर आप इसमें लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, इससे चावल का स्वाद और बढ़ जाएगा। और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और इसमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें हमें जितना पानी चाहिए होगा चावलों के लिए उसका आधा पानी इसमें डालूंगी। तो ये इसमें मैं आधा पानी डाल दिया है मैंने। और अब इस बोल को मैं अवन में रखूंगी। ये देखिए, मैं इसको अब अवन में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अवन से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखे हैं। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने अवन को डोर लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो माइक्रो का बटन है इसे प्रेस करना है और हमें अवन को 540 पर सेट कर लेना है। ये मैंने अवन को 540 पावर लेवल पर सेट कर लिया है और अब मैं इसमें 10 मिनट का टाइमर लगा दूंगी। देखिए, मैंने इसमें 10 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। अलग अलग चावल की वैरायटी पे डिपेंड करता है, कोई चावल जल्दी पक जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट के बीच में आपके चावल हो जाएंगे। अब ये मैंने 5 मिनट बाद स्टॉप कर दिया है अवन को और अब मैं अवन को खोल के एक बार चावल को चेक करूंगी। तो और ये जो बचा हुआ पानी है उन्हें भी इसमें डाल दूंगी। इस पानी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसका डोर में लगा देती हूँ और फिर से स्टार्ट का बटन प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फिर से स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं अवन के अलावा गैस पे भी कई सारी रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ, तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा प्रोसेस पूरा हो गया है। अब मैं खोल के देखती हूँ कि चावल हुए हैं या नहीं। अगर आपके चावल नहीं हुए हैं तो आप 1-2 मिनट के लिए और भी इसे चला सकते हैं। ये देखिए, मेरे चावल बनके तैयार हैं। यदि आप देख सकते हैं, मेरे चावल बनके तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है, एकदम खिले खिले बने हैं, जैसे कि कोई पुलाव बनाया हो। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। आप भी इसे एक बार घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके चावल कैसे